Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. हमारी मम्मी साहिबान सचिन सावंत, रमाकांत मात्रे, बीएम संदीप जी प्रभारी कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी, मंच में बैठे हुए तमाम हमारे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी, सभी हमारे मित्र पक्ष मीरा भाईंदर में आज यहां पर बड़ी तादाद में यहां पर आए हुए मेरी माता बहने, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, आपका आभारी हूं कि आज इतने बड़े पैमाने पर जब आप सब लोग यहां मौजूद हैं, वो इस बात का सबूत है कि आनंद परांच में अच्छी अक्सरियत से यहां से चुन के जाएंगे, इसके बारे में किसी के दिल में शक नहीं है। ताकत से हमको लड़ना है। ये चुनाव हम जो सामने जा रहे हैं दोस्तों, इस चुनाव के जरिए हमको एक अहम मुद्दे पर फैसला लेना है कि देश का कारोबार किसके हाथ में हमको सौंपना है। ये फैसला हम सबको लेकर बड़ी समझदारी के साथ में, बड़ी होशियारी के साथ में, हमने 5 साल बहुत सब कुछ महसूस किया। 5 वर्षांमध्ये आपण सर्वांनी या केंद्रातल्या भाजप सेना सरकार आणि महाराष्ट्रातल्या या भाजप सेना सरकारचा कारभार पण जवळून पाहिला। इथं कारभाराच्या पलीकडे जाऊन सांगेन, विषय फक्त कारभाराचा विषय नाहीये, देशाच्या भवितव्याचा विषय आहे, देशाचा भविष्याचा विषय आहे। ज्यांच्या हातामध्ये 5 वर्ष आपण दिली, त्यांनी देशाचं पूर्ण वाटोळं केलेलं आहे, देश को बर्बाद किया, देश में ऐसे ताकतों को आज इन्होंने मजबूत करने पे ये तुले हुए हैं कि अगर 5 साल गलती से भी इनके हाथ में जाते हैं दोस्तों, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा और उस नुकसान को फिर दोबारा हमारा घर बांधने के लिए पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। दोस्तों, मैं जब अहम बात कर रहा हूं तो मेरे सामने 2-3 चीजों का जिक्र मैं करना चाहूंगा जो अन्य भाषाई साथियों ने भी किया है। साध्वी प्रज्ञा को जो उम्मीदवारी दी जाती है, मालेगांव के बॉम्ब ब्लास्ट केस में जिसका नाम आज अक्यूज करके नंबर 1 पर है, जिसमें कोर्ट पर मुकदमा आज भी जारी चल रहा है, ये जानते हुए भी भाजपा ने उनको उम्मीदवारी दी, मोदी जी ने उनका समर्थन किया, ये किस बात का सबूत है दोस्तों? देश की हिफाजत की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, देश की एकता की बात करते हैं, दहशतवाद के खिलाफ हमला करने की बात करते हैं, तो ये सब एक तरफ है और आपकी उम्मीदवार, भाजपा की उम्मीदवार ऐसी व्यक्ति है कि देश के दहशतवाद में खुद लगी हुई है, उसको आपने उम्मीदवारी दी है, किस बात का सबूत देना चाहते हैं आप? आपका ये जो भी काम है बहुत खोखलापन है। भाजपा ने जितने भी ऐलान किए हैं सब खोखले ऐलान है। और वो साध्वी कहती है कि करकरे की जो मृत्यु हुई है वो करकरे मेरे सांप से मरा हुआ है। दोस्तों, शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को, चाहे कोई भी पार्टी को हो, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने 26/11 में अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं राज्य का उस बाद में मुख्यमंत्री बना, पवार साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया, राहुल जी, सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने देश का आतंकवाद खत्म करने के लिए पूरा प्रयास किया। उस आतंकवादी साध्वी ने जब ऐसे बयान करती है तो शर्म आनी चाहिए भाजपा के उन प्रधानमंत्री को जो खुलेआम उसके समर्थन करता है। क्या हम ऐसे पार्टी को समर्थन देंगे? छोड़िए, चुनाव को छोड़ दीजिए, हम ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पार्टी को कभी भी समर्थन दोस्तों नहीं दे सकते। हमारे देश के
कई विचारवंत है, लेखक है, साहित्यिक है, जिनकी पिछले 4-5 सालों में गोली मार की हत्या कर दी गई। कलबुर्गी है, पानसारे है, ये जो हमारे गौरी लंकेश है, उसको आश्चर्य नहीं लगेगा कि आने वाले समय में, आने वाले असेंबली के चुनाव में भाजपा अगर उनको प्रत्याशी बनाकर खड़ी नहीं करेंगे तो आश्चर्य की बात मानने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि भाजपा की विचारसरणी यह है कि जो लोग ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो देश के दहशतवाद में लगे हुए हैं, देश के विचारवंतों को खत्म करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को भी आने वाले समय में भाजपा उम्मीदवार बना सकती है। दोस्तों, ये शुरुआत हुई है इस साध्वी के जरिए। दोस्तों, ये साध्वी नहीं है, नाम साधुओं का बदनाम कर रही है। मैं आपसे इसलिए इन बातों का जिक्र कर रहा हूं कि देश किस दिशा में चल रहा है। महात्मा गांधी की जयंती होती है, महात्मा गांधी की जयंती के दिन पर पूरे देश में हम महात्मा गांधी को अभिवादन करते हैं और भाजपा के लोग महात्मा गांधी के तस्वीर या पुतले के ऊपर गोली चलाते हैं। ये आज होता है इस देश में। सरकार चुप बैठी हुई है, सरकार चुप बैठी हुई है, तो क्या समझना हमने सरकार का समर्थन इन चीजों को है। ये अहम बातें हमारे सामने है। और दोस्तों, मैं इस बात को इसलिए दोहराना चाहता हूं, आज हम चुनाव के तीसरे चरण में हैं, आज हम चुनाव के तीसरे चरण में हैं, 2 चरण पूरे हो चुके हैं। मैं खुद उम्मीदवार था मेरे मतदान संघ नांदेड़ से, पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक स्ट्रांग अंडरकरंट है, भाजपा को भगाओ और देश को बचाओ, ये अंडरकरंट पूरे देश में हमें नजर आ रहा है। मैं सलाम करूंगा हमारे माइनॉरिटीज को, हमारे अल्पसंख्यकों को, हमारे गरीब आदमी को, जिन्होंने पहले 2 चरण में बता दिया देश को हम उनके साथ नहीं जाएंगे, कितना भी कोशिश करो हमें डिवाइड करने के लिए, हम एक साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे, ये हमारे मुस्लिम भाइयों ने बता दिया हमारे दो। दोस्तों, हम सबकी जिम्मेदारी है ये। आप, मैं यहां देख रहा था, हमारे प्रांच के सामने जिक्र किया, आमचा मीरा भाईंदर मधे भरपूर विकासाची कामं, की कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेसच्या सरकार असताना झालेली आहे। गणेश नाईक साहेबांनी उल्लेख केला, गोष्ट खरी आहे, आपल्या मेट्रो रेल्वे, मोनो रेल्वे, रस्त्याची कामं, हायवेची कामं, ही जी काही कामं झाली ती काँग्रेसच्या राजवटीमध्ये झाले। सुरुवात आम्ही केलं आयत्या पिठावर रांगोळ्या करण्यासाठी, आले नारळ फोडत हे आले माझ्याकडे। खरं म्हणजे ही कामं झालेली आहेत की आपल्या सरकारच्या कालावधीमध्ये कामं झालेली आहेत। असो, नारळ त्यांना फोडू दे हरकत नाही, पण त्यांच्या डोक्यावर नारळ फोडण्याचं काम तुम्हाला करावं लागणार, लक्षात ठेवा, हे काम तुम्हाला करावं लागणार आहे। मित्र, संविधान बदलण्याची भाषा चालली आहे, विचार करा मित्र हो, ज्या संविधानाने आपल्याला अधिकार दिला, ज्या संविधानामुळे आज आपण अधिकार, लहान लोक माणसाला, मोठ्या माणसाला, गरीबाला, श्रीमंताला, एकच हक्क आहे मतदानाचा, या देशामध्ये इज्जतीने राहण्याचा अधिकार, हक्क जो आहे आपल्याला, तो आपल्या संविधानाने दिलेला आहे। त्या संविधानाच्या प्रती सुद्धा या देशामध्ये जाळल्या जातात, संविधान को इस देश में जलाया जाता है, कभी सुना था आपने? कांग्रेस के कार्यकर्ता में, कांग्रेस के रिजिम में कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं थी। और यही नहीं, देश की पूरी संवैधानिक संस्थाएं जितनी है उनको भी एक एक चुनकर उसके ऊपर दबाव डालने का काम भाजपा सेना ने, इनकी सरकार ने शुरू किया है। दोस्तों, शुरू किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप कली देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान है, जो आज सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज है, उनका बयान है चीफ जस्टिस का, कि मेरे सामने कुछ दिनों में ऐसी केसेस आने वाले हैं जिसके ऊपर मेरे को फैसला करना है, और इसीलिए मेरी व्यक्तिगत तौर पर बदनामी करने का षड्यंत्र कुछ ताकतों के जरिए किया जा रहा है, ये देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है। दोस्तों, ये बात कोई छोटी बात नहीं है, ये बात कोई मामूली बात नहीं है, देश का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चीफ जस्टिस कहता है, जो प्राइम मिनिस्टर से भी